हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस व भाजपा ने जमा किए नामांकन पत्र। कांग्रेस की ओर से भवनीश बारोट व भाजपा की ओर से मगनदान चारण ने जमा कराया नामांकन। नामांकन जमा करवाने के दौरान नगर पालिका में रही गमागमी। अध्यक्ष पद के निर्वाचन के तहत कांग्रेस की ओर से भवनीश बारोट व भाजपा की तरफ से मगनदान चारण ने नामांकन पत्र जमा करवाया। नव निर्वाचित पार्षदों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ नगर पालिका पहुँचे बारोट की ओर से निर्वाचन अधिकारी रामजी भाई कल्बी को नामांकन पत्र सौंपा। इसके बाद भाजपा के चुनाव प्रभारी वासुदेव देवनानी के साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मगनदान चारण नगर पालिका पहुँचे, निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। अध्यक्ष के नामांकन दाखिल करने के दौरान नगर पालिका परिसर में गहमागहमी रही। सुबह से ही नगर पालिका में अध्यक्ष के प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म रहा। दोपहर में कांग्रेस के नव निर्वाचित पार्षद नरसिंह कायम खानी, कांतिलाल परिहार, सुमित जोशी, नगर अध्यक्ष अमित जोशी, जिला उपाध्यक्ष हीरा भाई अग्रवाल, राजेश गहलोत, पूर्व पालिका अध्यक्ष अश्विन गर्ग, शिव शंकर शर्मा आदि अध्यक्ष पद के दावेदार नव निर्वाचित पार्षद भवनीश बारोट के साथ नगर पालिका पहुँचे। रिटर्निंग अधिकारी को अध्यक्ष पद की दावेदारी का नामांकन पत्र सौंपा। इसके बाद भाजपा के चुनाव प्रभारी वासुदेव देवनानी, जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, सह प्रभारी मनोहर चौधरी, आबू रोड रेवदर विधायक जगसी राम कोहली, आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश शेर, पूर्व जिला प्रमुख पायल परसराम पुरिया, अरुण परसराम पुरिया, मनीष परसाई, संतोष भारद्वाज आदि अध्यक्ष पद के दावेदार नव निर्वाचित पार्षद मगनदान चारण के साथ पालिका पहुँचे, जहाँ रिटर्निंग अधिकारी को उन्होंने अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र सौंपा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सांभरिया, अमित सांभरिया, शैलेश अवस्थी, कमलेश सोलंकी आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।